व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर कपिल शर्मा शो रिएक्शन। कल हमने रिएक्ट किया था अनसेंसर्ड पार्ट पे, आज हम लाए आप लोग के लिए जो ट्रिपल आर की हाइलाइट्स हैं बहुत सारी कपिल शर्मा शो की सेट इंडिया तो उस पे चैनल पे। तो भाई साहब ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बहुत सारे मतलब कपिल शर्मा शो की हाइलाइट्स आप देख सकते हो, फुल एपिसोड्स भी होते हैं सेट इंडिया चैनल पे। तो आज एंजॉय करने वाले ट्रिपल आर कास्ट के और मजेदार क्लिप्स साथ में, मस्त होने वाली। एक बार ट्रिपल आर कपिल शर्मा ओपी हो जाए कमेंट में, एक बार दोनों ही ऐसे हुए, मजा आने वाला है यार के अंदर। तो कर दे शुरू यार, मैं तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो और हमारे ब्लॉग्स भी देख लिया करो दोस्तों, प्रैंक भी देख लिया करो तो अच्छा लगे, और अब लाइक कर दोगे तो और लोगों तक वीडियो पहुंचेंगी। 1 2 3 गो। निकले सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। ओके ओके ओके। कपिल शर्मा शो। यो ब्रो। यो। और ये क्या है? ये लव कपिल। नेक्स्ट लेवल फैन फॉलोइंग। धन्यवाद आपके प्यार के लिए, शुक्रिया। अर्चना जी, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको बड़े पर्दे पे देख के मजा आता है। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल जैसे मुगले आजम हुई या शोले हुई, बॉर्डर या बाहुबली। सो ऐसी एक ग्रैंड फिल्म आ रही है आरआरआर, पहले तो इसके लिए तालियां हो जाएं। और आरआरआर फिल्म की स्टार कास्ट और डायरेक्टर साहब आज हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, तो चलिए आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाते हैं, प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड एक्ट्रेस आलिया भट्ट, मिस्टर रामचरण एंड लेजेंडरी डायरेक्टर मिस्टर एसएस राजामौली। ये है भाई सर, एनटीआर सर, रामचरण सर, आलिया, बहुत बहुत स्वागत है। बिफोर आई स्टार्ट माय शो, दास दादा जस्ट जस्ट क्लिक ए पिक्चर। व्हाई 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 टुडे स्पेशली फोटो, पुट इट ऑन इंस्टाग्राम और नीचे लिखो कि रामचरण एंड NTR just revealed that they are great fan of me. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हमने RRR का ट्रेलर देखा। सर, यू अंडरस्टैंड हिंदी? I understand, sir. I can speak, but they don't know whether I'm speaking Hindi or some other language. Then may God give you strength to understand my English. Rajamouli sir. Sir, today for specially for you guys, Archana ji, specially spend, you know, 1500 rupees on flowers. She never spent a single rupee from her own pocket, but today she spent a lot of money. Sir, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैंने देखा है राजामौली सर इतनी ग्रैंड फिल्में बनाते हैं, हमें लगा था ये हाथी पे बैठ के आएंगे और पीछे गाना चलेगा गली गली गली। सीरियसली, ही सो सिंपल मैन। सर, आप सीरियसली इतने सिंपल हैं या इनकम टैक्स की नजरों से बचते हैं आप? दैट्स द एग्जैक्टली रीजन व्हाई आई बी सिंपल। ओह गॉड, वाओ। पर सर, हम बहुत बड़े फैन हैं आपके। ये जो पॉइंट है, पर राजामौली सर का टेस्ट बहुत ही ग्रैंड है। इन्होंने मगध हीरा करी, मक्खी बनाई, बाहुबली बनाई, अब आरआरआर, और टीवी शो भी चुना तो द कपिल शर्मा शो। व्हाट अ चॉइस सर, अपने पॉइंट आ रहे हैं। ओह राम सर, हमारे शो पे पहले भी आ चुके हैं एक बार प्रियंका चोपड़ा के साथ। आलिया तो हमारी फैमिली मेंबर है जी, हम लोग करते रहते हैं शोज। एनटीआर सर पहली बार आए हैं, सो आप मुझसे मिलने के लिए हिंदी सीख रहे थे? आप मेरी इंग्लिश सीखने का वेट कर रहे थे? नहीं, इंग्लिश सुनने का वेट कर रहा था। इंग्लिश सुनने का वेट कर रहा था। ओके, सो टुडे आई विल स्पीक अ लॉट ऑफ इंग्लिश। आलिया संभाल लेना, डोंट वरी, मैं हूं। हाँ बस वही, हमेशा हमेशा के लिए। आइए प्लीज, बहुत बहुत स्वागत है, आइए सर प्लीज विराजमान हो जाइए। एनटीआर सर, मैं जी, आजकल क्या कोविड वोविड का माहौल चल रहा है, मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि आप जब एयरपोर्ट जाते हैं जी, तो एनटीआर बोल के काम चल जाता है कि आरटीपीसीआर भी दिखाना पड़ता है? यू आर अ ह्यूज स्टार। नहीं सर, कोविड ने सबको एक बराबर कर दिया। हाँ, बराबर कर दिया, जो आरटीपीसीआर दिखाना पड़ता है। आलिया इस फिल्म में हीरोइन है, आप सब एक बार आलिया के लिए जोरदार तालियां, क्या कमाल का काम करती है। सो आलिया, ये आरआरआर करने से पहले आपने फिल्म की कहानी सुनी थी कि खाली आर सुन के हाँ कर दिया था? बिकॉज़
It's a triple R. Actually, you're right. मैंने R सुन के ही हाँ कर दिया था क्योंकि R stands for राजमौली सर. Wow. Very smart answer. सही खेल गए. सही खेल गए. और मैं रामचरण सर के बारे में बताऊं, ये इनकी एरोप्लेन की कंपनी भी है, होटल की फ्रेंचाइज है, हॉस्पिटल्स भी हैं. सर इतना सब कुछ होने के बाद आपको नहीं लगता इतना पैसा यार, फिर भी मैं इतने भाग भाग के काम क्यों करता हूँ? कभी रिलैक्स होने का मन नहीं करता? सर एयरलाइन कंपनी ओन करने से हम इधर नहीं आ सकते ना. पॉइंट टू बी नोटेड. राजामौली सर, एक आप सामने हैं तो मैं कंफर्म करना चाहता हूँ. यू नो शी अर्चना बगुन सिंह. Of course, we know her. She also acted in Telugu film. Yes. Pandupalli Raja, some time back. Yes, sir. Yeah. वहाँ पे भी काम किया आपने? तुझे इतना आश्चर्य क्यों होता? He is so surprised that I have worked. अब मैं industry में 40 साल से, 40 years sir. So he is very surprised I have worked in some few films. And someone was telling me, you know, Dada Saab Phalke. Who, you know, started the industry. So someone was telling me she shot a film with him also. But then there was a rumor. So Archana ji was telling me that, you know, first you approached her for the Kattappa role. Is it true? Kattappa. Sir, if you had, I would have agreed. I would have said yes. Haan, Raja Mohan sir ne bhi backstage mere ko bata diya tha. Kehte yes, I approached her for Kattappa, but dates ka issue ho gaya tha. Yeah, she was busy with your show. She couldn't come. Yeah, true. Archana ma'am, during the lockdown, I wanted to tell you, I've enjoyed your videos from your house. Oh, thank you, Raja. Especially your. Especially your helper, that lady, Bhagyashree. She's more famous than you in the video. अरे बहुत इतनी comedy करती है ना सच में. There is a twist. She made her famous. Now she stopped giving her salary. मैंने तुझे launch किया, मैं तुझे पैसा नहीं दूंगी. आलिया, आपने इस फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था कि आपने इनको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कपिल शर्मा शो में लेके जाऊंगी? सर मेरी तारीफ क्यों करता है, मैं अपनी खुद कर लेता हूँ. आई एम वेरी सेल्फ ऑब्सेस्ड मैन. नहीं, उन्होंने यही कहा कि आप प्लीज हमको ये शो पे लेके जाना, फिर आप फिल्म में काम कर सकती हो. तो मैंने कहा हाँ, डेफिनेटली मैं कपिल से बात करूंगी. ही इज अ फ्रेंड, वी टॉक एवरी डे, यू नो, गो फॉर कॉफी एंड स्टफ लाइक दैट. लेकिन आप कभी प्रमोट नहीं करते नॉर्मली? मेरे ख्याल से 7-8 साल बाद तो आपसे मुलाकात हो रही है. जरूरत नहीं पड़ती है. एक्चुअली जरूरत नहीं पड़ती है. प्रमोट करने की जरूरत नहीं पड़ती है. ये वाली बात, ये अपने घर से बाहर कदम रखेंगे और वहाँ वो पिक्चर देखने आ जाएंगे. That's how devoted and how loyal the fan base. Wow, fan base. Superb. बहुत strong fan base. Actually. सर, NTR सर, आप और रामचरण सर पहली बार एक फिल्म कर रहे हैं साथ में, तो पहले कोई ऐसा ऑफर नहीं आया साथ में, या किसी प्रोड्यूसर के पास इतने पैसे नहीं थे आप दोनों को अफोर्ड करने के? सेकंड आंसर इज राइट. नहीं, राजमौली नहीं थे सर. हाँ, इतना बजट भी नहीं था. हाँ, तो राजमौली है, बजट भी है. For the budgets to happen. पर राजमौली सर ने भी पहले बाहुबली बनाई, पहले कमाए, फिर दोनों को साइन किया. पहले कमा लेते हैं, फिर साइन करें. सर ये RRR टाइटल कैसे आया दिमाग में? कोई टाइटल और सूझ नहीं रहा था, या आपको लगा रुपया 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 बहुत कमाने वाली है? ये टाइटल कैसे आया सर? In the beginning, we didn't know what to put the title, so we thought, okay, to refer to the project, we will put it as RRR because Ram Charan, Rama Rao, Rajmouli, with that hashtag RRR. Wow. मगर ऑडियंस को वही पसंद आ गया, so we kept that on as the title. पूरा एपिसोड देखने के लिए बहुत स्वीटली बात करते हैं, बहुत स्वीटली. एक चीज देखिए, मैंने जो फैन फॉलोइंग है ना, जब तक रामचरण स्पेशली साउथ साइड में जो फैन फॉलोइंग है, बहुत मतलब एकदम डाई हार्ड फैन है. मतलब वो सही बात करेगी, प्रमोट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, जो इतनी फैन फॉलोइंग, ट्रू फैन बेस है. मतलब मूवी आती है, वो भाई साहब पहले दिन ही पहुंच जाते मूवी देखने के लिए. अरे वहाँ पे वो बताते नहीं थे कि कई कई बार भी लोग जाते हैं टिकट ले, ऐसे नहीं कि डाउनलोडेड या ना, वो मतलब कई कई बार मूवी देखते हैं, कई कई बार हैट्स ऑफ. ये सच में ये बात करें ना कपिल शर्मा ने, कि ये ब्लेसिंग होती है, ये ब्लेसिंग होती है. और पता है, देखो इनके लिए आना बहुत डिफिकल्ट था कपिल शर्मा शो में, सिर्फ आलिया भट्ट लेके आई इनको.
और जब बोला ना कि ये आर सुनते ही आपने हाँ कर दिया था, कोई और आर सुनते ही हाँ, राजमौली और बहुत स्मार्टली प्ले कर रणवीर का नाम सर, वो आपने इनको कौन सा कटप्पा का रोल पहले अर्जुन जी को ऑफर हुआ था सच में। अब वो जो बता रहे साहब फाल्के के साथ ही मूवी हाँ, वो जो था ना जो बता रहे थे कि जो उनकी वीडियोस थी वो लॉकडाउन में बहुत वीडियोस बनाई इन्होंने अपनी जो हाउस हेल्प पे, तभी वो सैलरी छोड़ दी ना, वो फेमस हो गया, अब उनको स्पॉन्सर पाते होंगे। अरे वो ऐसे जोक्स मतलब ऐसी ऐसी बातें बोलती है ना, मजा आता है, मैं खुद देखती हूँ उसके वाले वीडियोस। कुछ कोई जोक सीख ले जिंदगी में, क्यों मेरी बोरियत फैला रही जिंदगी में, एक जोक नहीं आता इस, दिया 19 फरवरी कोई को। जोक नहीं आता इसको औरत को कुछ करा तो इतना बड़ा जोक क्रैक करा मैंने, उतना ही जोक है तो शादी कर ली आसान सा करते भाई साहब। लेकिन सच में द कपिल शर्मा शो अमेजिंग एंड द स्टार कास्ट वाज सीरियसली बहुत स्वीट। ट्रिपल आर की जो स्टार कास्ट है बहुत गजब है यार मूवी की, एंड डायरेक्टर सच में बहुत स्वीट है ना। और ये मूवी भाई ब्लॉकबस्टर होने वाली है, अभी तो पोस्टपोन हो रही है मेरे हिसाब से कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। बहुत बिग बजट मूवी है यार, तो बिल्कुल डिसीजन भी मेरे हिसाब से सही है पोस्टपोन करने का, क्योंकि अगर कंफर्म मेरे को नहीं है ये पोस्टपोन हुई नहीं है, लेकिन पोस्टपोन तो होगी अब तो सिनेमा हॉल, क्योंकि अब तो सिनेमा हॉल तो बशर्त हो ही रहे यार, तो रिलीज कर रहा कोई मूवीज ऐसे बाकी देखते हैं। और अमेजिंग शो यार, एंड जो जुगलबंदी आजकल अर्चना जी की और कपिल शर्मा की देखने को मिलते हैं ना, अलग ही स्वाद है। हाँ। फिर 1500 रुपये खर्च करें, कुछ दस्ते लगवाए भाई साहब एक नंबर। आई एम श्योर ये एपिसोड देख के, ये हाईरेस्ट देख के बड़ा मजा आएगा। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और आप लोग के लिए ऐसे धुआंधार वीडियोज लाते रहें, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, और हम दोनों मिलकर वीडियोज आप लोग लाते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। बाय, टेक केयर।